नमस्कार किसान भाइयों एवं व्यापारी मित्रों, मैं आप सभी लोगों का दीप कृष्ण जी वक्ता जी एंड संग स्वाति बीज की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारी कंपनी डीबीएस के स्वाति बीज का गौरवशाली स्वर्णिम 50 वर्ष पूरा हुआ, जो कि आप सभी लोगों के प्रेम एवं स्नेह से संपन्न हो सका है। हरित क्रांति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और मैं एक बार पुनः हमारी कंपनी डीबीएस स्वाति बीज के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी किसान भाइयों एवं व्यापारी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। इसी जगह पे अपन मिले थे। आप वो आपने सुझाव दिया था ग्रीन स्टेक का। अच्छा, फिर आपने 1 ग्राम मेरे को दिया था, फिर मैंने 1 ग्राम से 5 ग्राम परचेज किया और फिर मैं अपने प्लॉट पे जाके उसकी नर्सरी बनाई। नर्सरी बनाने के बाद उसको रिप्लांट किया और रिप्लांट करने के बाद जैसे ही अपना 45-48 हुआ तो उसका पिकिंग स्टार्ट हो गया और कम से कम 10 इंच से लगा के 12-13 इंच तक की मिट्टी आ गई। और हमने और भी कई कंपनी की मिट्टी लगाई थी, जैसे स्वाति की ग्रीन फिल्म है उसकी लंबाई, कलर, क्वालिटी, पिकिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया था। और दूसरी मिर्ची से मेरा कम से कम 15-20% भाव ज्यादा आता था, इसकी बाजार ज्यादा आती थी। और मैंने पिछले साल भी ग्रीन फिल्म लगाई थी और इस साल भी अपन ने नर्सरी लगा दी है, 1 हफ्ते बाद उसको रिप्लांट करेंगे। पिछली बार 5 ग्राम ग्रीन फिल्म लगाई थी, इस बार हमने 200 ग्राम ग्रीन फिल्म लिया है और पिछले साल से भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बीघे में जितना उत्पादन किया है वो, हाँ वो मेरा 1 बीघे में 20 टन से लगा के 21 टन, लेने का मतलब 1000 से 1050-80 मन तक का एक बीघे में 24 गुटा वो आता है। मेरा मिर्ची का इतना उत्पादन अपन ने लिया है। अपन कहाँ पे आए हो आप? हम यहाँ गांधीनगर में एग्री एशिया जो कृषि मेला है वहाँ पे आए हैं और अभी स्वाति के स्टॉल पे बैठे हैं। 1 साल हो गया आपको? हाँ, 1 साल के बाद यहाँ आए वापस। तो आपको स्वाति का जो है यहाँ पे आने के बाद स्टॉल में कैसा लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा है मेरे को। स्वाति की कई कई वेरायटी देखने को मिली, अलग अलग सीड, अलग अलग बीज के देखने को मिली और यहाँ डेमो भी देखने को मिला। यानी अपना यहाँ पे जो ग्रीन फिल्म का पौधा आपने लगाए थे यहाँ पे भी हम लोग ला के रखे हैं, बराबर। तो आप दूसरे खेत को क्या माहिती दे सकते हैं सर? नहीं, ग्रीन फिल्म चिली और भी स्वाति के जो सीड्स है वो अच्छे है, जिसका फ्रूट फ्लावरिंग और मतलब उसका डिजीज भी कम आता है, प्लांट की हेल्थ अच्छी रहती है, लंबा टिकता है। हमारे यहाँ मिर्ची मैंने 9 महीने तक रखी है, मिर्ची का पौधा 9 महीने तक मेरे को रखा है। आप समझ लीजिए कि 45-50 दिन के बाद फ्रूट देना चालू किया था, हर हफ्ते 10 दिन में फ्रूट देता है माल और ऐसा हमने टोटल 6 महीने तक पिकिंग किया। तुड़ाई में इसके क्या फायदा है? नहीं, जो दूसरा कंपनी की जो मिर्ची होती है इससे इसके अंदर मजदूरी बहुत कम लगती है, क्योंकि इसकी लंबाई होने से मजदूर को तुरंत हाथ में आ जाता है माल और फटाफट माल तोड़ के, मतलब दूसरी कंपनी का 20 किलो तोड़ते हैं मजदूर, तो स्वाति ग्रीन स्लिम 30-35 किलो तोड़ते हैं। यानी बहुत फास्ट तुड़ाई होती है इसकी। हाँ जी, डाली को नुकसान नहीं होता है? नहीं होता है, डाली को नुकसान नहीं होता है, नहीं होता है, फ्रूट ही टूटता है। 6-8 दिन में तोड़े जाते हैं।